नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, घटना चक्र की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का अगला पार्ट है। ये बिल्कुल क्रम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासतौर पर अपर PCS लेवल पर RO AR O के एग्ज़ाम्स में, और अलग अलग जो स्टेट हैं हमारे MP के हों या उत्तराखंड या झारखंड या राजस्थान, आसपास के राज्यों में जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, उन सभी को मैं घटना चक्र के माध्यम से करा रहा हूँ। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। बिल्कुल निःशुल्क रूप से मैं आपके सामने इस क्लासों को पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मध्यकालीन इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे हम। मध्यकालीन भारत का इतिहास और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यह भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे, कौन सी सदी में आए थे या एग्जैक्ट कौन सी वर्ष में आए थे, कई प्रकार से ये प्रश्न पूछ लिया गया है अभी तक। तो सभी तथ्यों पर, सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंत तक मेरे साथ वीडियो में, क्लास में आप बने रहेंगे। तो देखिए, हेडिंग है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसे आप लिख लीजिएगा। घटना चक्र RO AR O का जो एग्जाम आ रहा है उसी को ध्यान में रख करके ये क्लास है आपके एग्जाम के लिए, और किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, सभी एग्जाम्स में ये क्लास काम आएगी। तो देखो, पहला पॉइंट है इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म पूछ लिया गया है परीक्षाओं में, 570 ईस्वी में हुआ था। कौन सी ईस्वी में? 570 ईस्वी में, नंबर एक। दूसरा मुद्दा, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मोहम्मद साहब की मृत्यु। जन्म को पूछा है तो मृत्यु, जैसे जैन धर्म में हम पढ़ते हैं जन्म को पूछता है तो मृत्यु पूछता है, महावीर स्वामी के विषय में, महात्मा बुद्ध के विषय में जन्म को पूछता है तो मृत्यु पूछ लेता है, पूछ ही लेता है इन सारी चीज़ों को। तो मृत्यु 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जो कि क्लास 6 में या 5 या 6वीं क्लास में आप पढ़ करके आ रखे होंगे उस टॉपिक को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मक्का और मदीना, ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है किताब के अलावा भी। मक्का और मदीना कहाँ पे स्थित हैं? सऊदी अरब में स्थित हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मक्का और मदीना की यात्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, जैसे हम भारत में बात कर रहे हैं, इंडिया से बात कर रहे हैं, तो भारत से अगर जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हज की यात्रा करने जाते हैं, कौन सी यात्रा बोलते हैं? हज की यात्रा। तो हज की यात्रा पर मक्का से मदीना जाने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, वो सऊदी अरब में एक बंदरगाह का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, यदि समुद्र के माध्यम से जा रहे हैं तो। ठीक है, वैसे हवाई जहाज के भाई एरोप्लेन जा रहे हैं तो जेद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सऊदी अरब में स्थित है, और सऊदी अरब का सबसे बड़ा है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेद्दा। हवाई अड्डा जेद्दा एक शहर का नाम है जो कि सऊदी अरब में स्थित है, उसी में हवाई अड्डा है, और जेद्दा बंदरगाह का भी नाम है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है सऊदी अरब का, लाल सागर के तट पर स्थित है ये। तो सबसे ज़्यादा हज करने वाले लोग, मक्का जाने वाले लोग, मदीना जाने वाले लोग या सऊदी अरब पहुँचने वाले लोग यहीं से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस मुद्दे को भी याद रखिएगा। और एक और तथ्य मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ, भारत में जब मुस्लिम शासन था, भारत में दिल्ली सल्तनत का समय था, दिल्ली का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में, इन सभी 5 वंशों को मिलाकर के दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं। इस समय की जो जनता थी, जो मुस्लिम जनता थी, हज की यात्रा करने जाती थी तो एक बंदरगाह का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जनता उस समय करती थी। एक शहर के पास अरब सागर के किनारे एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम सूरत बंदरगाह, जो कि आज भी है, सूरत शहर आज भी है, गुजरात का शहर है, जो कि व्यापार के लिए बहुत फेमस है। काय के व्यापार के लिए? हीरे के व्यापार के लिए। भारत के भीतर हीरे का सबसे बड़ा कारोबार या हीरे का सबसे बड़ा व्यापार सूरत में होता है, इन इंडिया, अगर भारत के अंदर की हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के समय बाबुल का मक्का, इसका नाम पड़ गया, कौन से शहर का नाम? सूरत का। तो सबसे ज़्यादा मक्का जाने वाले लोग कहाँ से जाते थे? सूरत बंदरगाह से। ठीक है, और आज ही के न्यूज़पेपर में, आज की करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट खबर सूरत को लेकर के आई है, भारत का सबसे बड़ा आभूषण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? सूरत के भीतर स्थापित किया गया, और विश्व की सबसे ऊँची इमारत, व्यापारिक इमारत,
ट्रेड बिल्डिंग्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो भी कहाँ पे स्थापित की गई है, सूरत में। ये कुछ दिनों पहले स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, सेकंड नंबर पे अमेरिका के अंदर है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं, तो सऊदी अरब हो गया, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। लाल सागर के किनारे पर वो बंदरगाह है। लाल सागर और भूमध्य सागर आप जानते हैं, दोनों सागरों को एक नहर जोड़ती है, नहर का नाम स्वेज नहर, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। और 1869 में निर्माण स्वेज नहर का किसने कराया? मिस्र नामक देश का योगदान माना जाता है, ठीक है, मिस्र का योगदान माना जाता है 1869 में, जो कि विश्व का 10-15% व्यापार पानी के जहाजों का आवागमन होता है। और स्वेज नहर को बनने से भारत के पश्चिमी बंदरगाहों की दूरी, इन द सेंस ऑफ भारत के मुंबई बंदरगाह की दूरी, स्पेशल मुंबई बंदरगाह की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जहाज घूम करके पहले जाते थे हमारे मुंबई से, पानी के जो जहाज सामान लेकर के यूरोप के लिए जाते थे, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कनाडा के लिए, मैक्सिको के लिए, अभी स्वेज नहर के बनने से जहाज स्वेज नहर के माध्यम से चले जाते हैं विदेशों तक, यूरोप कंट्रीज तक, इटली तक जाना हो, स्पेन तक जाना हो, किसी अन्य देश तक जाना हो। तो इस पॉइंट को भी, तथ्य को आप याद रखिए। अगले मुद्दे पर चलते हैं, हिंदू शब्द। हिंदू शब्द का भी प्रश्न पूछा गया। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हमारे देश में? अरबों ने किया ऐसा माना जाता है। किसने किया था? अरबों ने। अगला मुद्दे की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम वो पहला शासक था, मोहम्मद बिन कासिम वो पहला शासक था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था या सिंध को जीत लिया था, आप कैसे भी कह सकते हैं, है ना। पूछा जाता है कि पहला आक्रमण भारत के कौन से हिस्से पर किया गया? तो पहला आक्रमण सिंध पर किया गया था, जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है सिंध प्रांत। उस समय भारत का हिस्सा था सिंध प्रांत, अखंड भारत था उस समय। तो उस समय तो भारत के अगर हिस्सा की अगर हम बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा, ईरान तक, इराक तक, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी भारत के अंतर्गत आते थे सारे देश, ठीक है। इवन ढाका तो बांग्लादेश तो आप जानते ही, भारत के भीतर ही है। तो 712 ईस्वी में जीता था सिंध को। इस तथ्य को, इस मुद्दे को भी आप याद रखिए, किसने जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगले तथ्य की बात करें, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। रट लेना, पेपर में बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम वो शख्स था, वो व्यक्ति था जो पहला कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसने भारत पर आक्रमण किया 7वीं सदी में या 712 ईस्वी में। चचनामा एक पुस्तक लिखी गई, जो कि एक अज्ञात लेखक, लेखक का उल्लेख ज्यादा नहीं है, लेकिन पुस्तक का नाम याद रखिए, चचनामा नामक पुस्तक के अनुसार 6वीं सदी और 7वीं सदी में जो सिंध की राजधानी थी वो क्या थी? अरोर। या सिंध की राजधानी क्या लिखी मिलेगी आपको? अरोर लिखी मिलेगी, ठीक है, अरोर राजधानी हुआ करती थी उस समय। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था 712 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है कि भैया मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से शासक को हराया था? तो शासक का नाम क्या था? शासक का नाम था राजा दाहिर, 712 ईस्वी में। राजा दाहिर एक ब्राह्मण व्यक्ति था, ब्राह्मणों की जनसंख्या उस समय सिंध प्रांत में सर्वाधिक थी। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आक्रमण राज्य पे तो किया किया, लेकिन कौन से समुदाय पे किया? ब्राह्मण समुदाय पर आक्रमण किया था, ठीक है। गजनी वंश का जो संस्थापक था, गजनी वंश का संस्थापक जो अफगानिस्तान के अंदर स्थापित हुआ था, वो कौन था? अलप्तगीन नामक शासक था, जिसने गजनी वंश की स्थापना करी थी। इस मुद्दे को याद रखिए, एक एक पॉइंट को। महमूद गजनी बोलते हैं या गजनबी भी बोलते हैं ना, गजनी भी लिख के आ सकता है। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 times 17 बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी या महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, ठीक है, इसे याद रखना। जिन 17 बारों में एक आक्रमण सर्वाधिक इसका प्रसिद्ध है, वो सोमनाथ के मंदिर वाला है। 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर वाला, 1025 का आक्रमण है, जो कि सोमनाथ के मंदिर को लूटा। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में, सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है, जो कि अरब सागर के बिल्कुल समीप स्थित है। तो ये मंदिर कहा जाता है काफ़ी संसाधन पूर्ण मंदिर था, समृद्ध मंदिर था, धन एवं वैभवशाली मंदिर था।
ठीक है। तो इसी को लूटने का उद्देश्य था आक्रमणकारियों का, राज्यों को जीतना नहीं था, धन लूटना था प्रमुख उद्देश्य। कौन से लोगों का? जो भारत में पहली बार आक्रमण करने आए भारत में, तो भारत में उद्देश्य उनका धन लूटना था, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण इसने किया। 17 में सोमनाथ के मंदिर का बहुत फेमस है 1025 वाला, महमूद गजनबी के दरबार में जब ये भारत आया आक्रमण करने के लिए, तो इसके दरबार में या इसके साथ में भारत में 3 लोग आए, और तीनों अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विद्वान थे, इतिहासकार थे, आप ऐसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुस्लिम विद्वान था या मुस्लिम इतिहासकार था, तो देखो 3 लोगों के नाम है, एक अलवरनी, एक फिरदौसी और एक उतवी। ये 3 लोग थे जो कि किसके साथ में थे, किसकी सेना में थे, किसकी फौज में थे। फौज से लेना देना नहीं था, लेना देना इनका अपनी योग्यता से था, एक्सपर्ट लोग थे ये, इतिहास के जानकार थे ये तीनों, एक अलवरनी, एक फिरदौसी और एक उतवी। ये तीनों गजनी के साथ भारत आए थे और तीनों आज तक तमाम बार, अनेकों बार एग्जाम्स में पूछ लिए गए अलग अलग से, ठीक है। उतवी के बारे में, अलवरनी के बारे में, फिरदौसी के बारे में। सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे ज्ञान दान वाला, सबसे ज्ञानी व्यक्ति आप कह सकते हैं वो अलवरनी था इन तीनों में, ठीक है। तो अलवरनी के बारे में कई बार पूछा गया, कारण है कि इसने एक पुस्तक लिखी भारत में और पुस्तक का नाम था किताबुल ए हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल ए हिंद। हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब जहाँ हिंदुओं का स्थान है, जहाँ पर हिंदू रहते आए हैं, या जो देश हिंदुओं का है, ठीक है। तो किताबुल ए हिंद लिख लेना। प्रसिद्ध इतिहासकार मुस्लिम विद्वान कौन था इनमें? अलवरनी था। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, जैसा कि मैंने बताया अलवरनी भारत कौन सी सदी में? 11वीं सदी में भारत आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोने को लूट ले गया साहब, और सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है, और गुजरात में सौराष्ट्र में स्थित है, सौराष्ट्र वाला जो इलाका सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अरब सागर से लगा है गुजरात में, ठीक है। यहाँ जब तूफान आते हैं, चक्रवर्ती साइक्लोन आते हैं, तो बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे, है ना, मंदिर को बचाने की। हालांकि मंदिर थोड़ा सा अंदर जा करके, लेकिन वहाँ पे फिर भी समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ता है जब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। तो 1025 सोमनाथ याद रखिए। अब देखिए एक और पॉइंट, अलवरनी क्या क्या, देखो संस्कृत का भी विद्वान था, त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया गया, इतिहासकार तो था ही। अगला मुद्दा है संस्कृत मुद्रा लेख, संस्कृत छपी हुई थी लेखों के साथ। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चांदी के सिक्कों पर कौन सी भाषा? संस्कृत छपी हुई थी मुद्रा लेख के साथ, गजनी ने चलाए थे, ये महमूद गजनी ने, ठीक है। अगला मुद्दा है मध्य एशिया। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन को भाई पूछने को, लेकिन प्रश्न को घुमा के एशिया, और एशिया में से भी घुमाया तो मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब एशिया का वो पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, उसमें कौन सा देश आता है? देश का नाम अफगानिस्तान आता है, तो घुमा फिर आके लिख देता है वो, कोई दिक्कत नहीं। मध्य एशिया का शासक मोहम्मद गौरी, जिसने उत्तर भारत को जीता था, ये प्रश्न भी कई बार दिया दे रखा है। मध्य एशिया का ऐसा कौन सा शासक था जिसने उत्तर भारत को जीता था? दक्षिण भारत नहीं लिखेगा, ना पूर्वी भारत लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत, क्योंकि उसने जो आक्रमण करे वो उत्तर भारत में करे। जैसे तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, चंदावर का युद्ध, सभी कहाँ पे हुए? दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। तो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के हिस्से हो, इन सभी राज्यों को मिला करके नॉर्थ इंडिया हम पढ़ते हैं, उत्तर भारत में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत को जीतने वाला शासक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम हराने वाला शासक था भीम सेकेंड, या इसी को दूसरा नाम था मूलराज सेकेंड, जो गुजरात के उस समय के शासक थे जब मोहम्मद गौरी लगातार आक्रमण कर रहा था। गौरी के आक्रमणों पर यदि हम प्रकाश डालें तो मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो मुल्तान में ही लड़ता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेन सहवाग को कहा गया क्रिकेट में, नाम तो आपने सुना ही होगा, इस वजह से थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देश में क्रिकेट ज़्यादा देखा जाता है तो क्रिकेट के प्रशंसक होते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बात और बताइएगा, क्रिकेट के इतिहास में अभी तक, जब क्रिकेट की बात आ गई तो एक पॉइंट आपको बता दें, क्रिकेट के अभी तक के इतिहास में अभी तक कौन से क्रिकेट खिलाड़ी को टाइम आउट दे दिया गया, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जो इस वीडियो को देखें।
भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने हराया, किसको हराया, मोहम्मद गौरी को। और कब हराया अगर वर्ष पूछेंगे तो 1178 में। 1175 में उसने मुल्तान की लड़ाई लड़ी थी, वहाँ पर कोई शासक प्रमुख नहीं था, वहाँ पर एक जनजाति निवास करती थी, करमाथी नामक जनजाति के साथ युद्ध किया था उसने। फिर अगला युद्ध उसे जीतने के बाद 78 में किया, ये किया था आबू पर्वत की तलहटी में। आबू पर्वत बोले तो अरावली की पहाड़ियाँ, और अरावली की पहाड़ियों को जब हम भूगोल में पढ़ने चलेंगे भैया तो अरावली की पहाड़ी गुजरात बाया राजस्थान एंड दिल्ली, तो तीन राज्यों में सर्वाधिक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं, और इनमें से गुजरात में, और गुजरात सबसे ज़्यादा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है। जैसे कि उदयपुर जिला आप कभी घूमने जाएंगे, आप मेवाड़ कभी घूमने जाएंगे, आप चित्तौड़गढ़ घूमने जाएंगे, तो भैया वो पूरा का पूरा मेवाड़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर चारों तरफ अरावली की पहाड़ी दिखेंगी। आप कभी जब रोड पर जा रहे होंगे आ रखे होंगे तो चारों तरफ देखेंगे पहाड़ी पहाड़, वो अरावली की रेंज है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जरगा की पहाड़ी बोलते हैं उदयपुर के लोग, अरावली को क्या बोलते हैं, जरगा। तो इसी अरावली पहाड़ियों की तलहटी में जो लड़ाई हुई, जो कि गुजरात के शासक भीम सेकंड ने इसको हरा दिया 1178 में। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था 1194 में। कौन से युद्ध में हराया, इस लड़ाई को जरूर याद रखिए, पेपर में जय नाम पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। अगला मुद्दा है भारत पर आक्रमण करने वालों का क्रम बताइए। कई बार क्रम आता है, आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन आपको, चाहे आप एक दिवसीय परीक्षा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी, आरओ आरओ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार क्रम भी पूछ लेता है कि भाई जो भारत में लगातार आक्रमणकारी थे एक के बाद एक कौन कौन लोग आए, जरा बता दो हमें तीन चार क्रम अगर आपको याद है तो। देखिए कौन महमूद गजनवी स्टार्टिंग करता है कहानी को, महमूद गजनवी से भी पहले लगा देंगे हम क्रम लगाने को तो, लेकिन उसने वहां तक पूछा ही नहीं, जो पूछा है वहीं से हम बता रहे हैं। इससे पहले क्रम हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद बिन कासिम तक, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर सकते हैं क्रम को हम। जैसे देखो अगर क्रम की बात करें तो कासिम आया सबसे पहले, कासिम ने आक्रमण किया भारत पर, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम के साथ गजनी आया बाद, और गजनी के बाद गौरी आया भारत में आक्रमण करती मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद चंगेज खान आया, और उसके बाद तैमूर लंग आया। जे आया था 1221 के आसपास, जे 11वीं सदी में था, और महमूद गजनवी 1000वीं सदी में था, 1000 के बाद इसने बहुत सारे आक्रमण किए, और मोहम्मद बिन कासिम 712 में था, और तैमूर लंग 1398 मतलब 14वीं सदी में था, ठीक है। कौन सी सदी में था, 14वीं सदी में, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। फिर दोबारा देखो, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 में, फिर महमूद गजनवी ने किया 1000वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है 11वीं सदी में, चंगेज खान आक्रमण करता है 1221 में मतलब 13वीं सदी में, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था ये सिंधु नदी के तट पर, इल्तुतमिश ऐबक के बाद उत्तराधिकारी बना, तो इल्तुतमिश ने शासन किया, जिसने एकता प्रथा शुरू करी, जिसने चांदी के सिक्कों को भी डलना शुरू किया था इल्तुतमिश, ठीक है। इसी के समय में बगदाद के खलीफा से इसने उपाधि भी धारण करी थी इल्तुतमिश ने। इसी के समय में चंगेज खान आया था आक्रमण करने भारत पर, लेकिन सिंधु नदी के तट तक ही आया था, सिंधु के तट तक। सिंधु भारत की सबसे पश्चिमी नदी है जो कि पाकिस्तान में जाती है, बहती है, ठीक है। पाकिस्तान में बहने के, कराची के आसपास के इलाकों में बहने के साथ अरब सागर में गिर जाती है, तो वहां तक ये देखे गए थे आक्रमणकारी। और फिर आया था एक तैमूर लंग 1398 में। लंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पैर से कैसा था ये, दिव्यांग था, और फिर भी भारत पर अत्याचार करके गया था ये। अभी कहीं मिल जाएगा तो पकड़ लेंगे इसको, सजा दिलवाएंगे फिर इसको, पर लेकिन मिलेगा नहीं ये कहीं। आगे बात करते हैं, मिलेगा तो नहीं, अब नहीं मिलेगा। देवी लक्ष्मी की आकृति, देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर प्राप्त होती है। मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति को अपने सिक्कों पर अंकित कराया था, दर्ज करवाया था, छपवाया था, ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने पहला एकता, एकता लिख दिया, पहला एकता किसे दिया था, क्या लिखेंगे शब्द को, एकता कुतुबुद्दीन ऐबक को। एकता का मतलब है जमीन देना, एक हिस्सा देना, एक इलाका दे देना। एकता का मतलब जमीन हिस्से, इलाके से, क्षेत्र से।
तो किसे दे करके गया जी? ऐबक को दे करके गया। ऐबक इसकी सेना में भारत आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की सेना में भारत आया था, ठीक है, और इधर ही रह गया था। गौरी वापस चला गया और ये इधर रह गया था, ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। फिर इसी ने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता, बिहार को जीता, दोनों पर विजय प्राप्त करी थी बख्तियार खिलजी। अगला मुद्दा आता बख्तियार खिलजी, ये भी मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी किसका दास था? गौरी का, गौरी का गुलाम था ये, गौरी के साथ आया था भारत। इसने भी बड़ी जुल्म ढाए भारत पर, और सबसे बड़ी हानि क्या करी देखो आप। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप लो और नोट कर लो। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है। फिरदौसी नामक विद्वान जो आए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सहा नामक, नामा पुस्तक की रचना करी थी, ठीक है। सिंध राज्य में कौन सा बंदरगाह है? देवल नामक बंदरगाह स्थित था उस समय। कौन सा बंदरगाह था? देवल नामक बंदरगाह स्थित था सिंध राज्य में, इसको भी याद रखना। एक थट्टा नामक प्रांत भी कई बार हम पढ़ते हैं, सिंध राज्य में कौन सा प्रांत था? थट्टा नामक प्रांत था। क्लियर के नहीं क्लियर? चंदेल शासक था एक, चंदेल शासक जिसने मध्य प्रदेश में शासन किया, चंदेल वंश ने, ठीक है। विद्याधर, विद्याधर को किसने हराया था? गजनी ने हरा दिया था युद्ध में। मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में कब हो गई थी? 1192 में। प्रश्न भैया कई बार आता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कौन सी वर्ष में हो गई थी, तो मुस्लिम शक्ति को स्थापित करने वाला मोहम्मद गौरी था। इसने 1192 में भारत में मुस्लिम शक्ति अर्थात उत्तर भारत में मुस्लिम शक्ति अर्थात तुर्की राजवंश की नींव भारत में स्थापित कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, लिख लेना एक एक शब्द बोला हूँ, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जो कि चौहान वंश के शक्तिशाली सम्राट थे, शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, जिसमें गौरी को किसने हरा दिया था? चौहान साहब ने, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। गजनी की कब्र की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? गजनी शहर में, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, गजनी की कब्र, ठीक है जी। अब कई बार प्रश्न आता है, देखो मोहम्मद गौरी ने जो लड़ाइयाँ भारत में लड़ी वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इन प्रश्नों को छाप लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों के, मित्रों के साथ, रुकना नहीं चाहिए शेयर करने का आपका सिलसिला। इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और निःशुल्क आपको पढ़ाते रहेंगे, समाज सेवा पूरी चलती रहेगी। तो 1175 में लड़ते हैं जी, फिर 1178 में लड़ते हैं, फिर लड़ते हैं 1191 में, फिर 1192 में, और फिर लड़ते हैं 1194 में। तो ये युद्ध मोहम्मद गौरी भारत में लड़ा अलग अलग समय पे अलग अलग शासकों के साथ, 91 और 92 पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़ा था। इसके अलावा 75 में करमाथी जात और 1178 में सौराष्ट्र में, जो भीम सेकंड ने इसे हरा दिया था, ये पहली हार थी भारत में इसकी। प्रश्न आता है मोहम्मद गौरी को भारत में किसने हराया? 1178 में भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने हरा दिया था, ठीक है। 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर जगह कहाँ पर पड़ती है? कन्नौज वाले इलाके में, कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत सा शहर है, जैसा कि माना जाता है फूलों की खेती होती है उसमें, पुष्पों का उत्पादन होता है और फूलों से इत्र बनाया जाता है वहाँ पर, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। कौन सी नगरी? इत्र नगरी। और कन्नौज को प्राचीन समय पर कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, श्री महोदया के नाम से भी जाना जाता था, बहुत सारे नाम आपको इतिहास में मिल जाएंगे, श्री महोदया और कान्यकुब्ज, जो कि इत्र नगरी वर्तमान में प्रसिद्ध है कन्नौज वाला इलाका। कन्नौज एक ऐसा इलाका रहा है, आपको आगे आगे हम बताएंगे, आप चिंता ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसे लेकर के जीतने को लेकर के तीन शक्तियों में, तीन शक्तिशाली शक्तियों में और राजवंशों में 200 साल तक लड़ाई चली थी। बहुत सारी लड़ाइयां तो एक महीने में भी खत्म होती हैं, दो महीने में, तीन महीने, छः महीने, इवन एक आध साल तक, डेढ़ साल तक, दो साल तक, जैसे यूक्रेन रूस के युद्ध को देख लें, इजराइल हमास के युद्ध को देख लें, लगभग 4-5-6 महीना में अपनी बारूदें फूंक के दर्द देते फिर बैठ जाते आराम से। लेकिन इतिहास को उठा के देखेंगे तो 200 साल तक युद्ध चला कन्नौज को जीतने को, ये इतिहास कहता है। आगे बताएंगे इसके बारे में कितने तथ्य पूछे गए। इसमें एक पाल वंश था, एक राष्ट्रकूट वंश था, एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, जो अलग अलग इलाकों पर शासन करते थे शक्तिशाली रूप से। इन तीनों ने कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूरा
एड़ी चोटी का जोर लगाया और फाइनली बाद में एक वंश जीता भी, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सा जीता। बाकी के इससे जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो घटना चक्र आरओ आरओ की क्लास में लगातार हम पढ़ाएंगे आपको। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।